और मेरे समझ में नहीं आ रहा है पिटाई दंगाइयों और पत्थरबाजों की हो रही है और दर्द अखिलेश यादव जी को क्यों हो रहा है। आप सभी तो जानते ही हैं कि शुक्रवार को किस तरीके से उपद्रवियों ने उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, कितने पुलिस वालों को चोटें आई, कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाया गया और भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद प्रदेश के मुखिया योगी जी ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जब पुलिस ने कार्रवाई की तब उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि उठने चाहिए ऐसी हवालात पर सवालात, नहीं तो इंसाफ खो देगा अपना इकबाल। जब पत्रकारों ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इतना ही कहना है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनको यह स्पष्ट तौर से समझ लेना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करेंगे तो उनका संरक्षण करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी ट्वीट जरूर कर सकते हैं कि पिटाई हो रही दंगाइयों की और पत्थरबाजों की, लेकिन मुझे यह बात जरूर आश्चर्य लगता है कि यह जो दंगाइयों की कहीं पिटाई हुई, पत्थरबाजों की पिटाई हुई, तो श्री अखिलेश यादव जी को यह क्यों नहीं दिखाई दिया कि पुलिस वालों पर किस प्रकार से यह दंगाई हमला कर रहे थे, पत्थरबाज हमला कर रहे थे, उनका भी ध्यान अगर वो रखते, किस प्रकार से दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, उनका भी ध्यान रखते। पिटाई का दर्द तो उनको महसूस हो रहा है और मेरे समझ में नहीं आ रहा है पिटाई दंगाइयों और पत्थरबाजों की हो रही है और दर्द अखिलेश यादव जी को क्यों हो रहा है। इसका कहीं विदेशी कनेक्शन भी लगता है, वो अरब देश से जो तेल लेना कम किया। जांच मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जांच की प्रक्रिया जारी है और जांच में जो भी दोषी आएगा, दोषी पाया जाएगा, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा, मेरठ के एक राज्य मंत्री ने मेरठ पुलिस सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया, जो होगा उसमें भी कठोर कार्रवाई करेंगे। इस्तीफा देने की नौबत आ गई, सारी जानकारी में है विषय, और जो इसके लिए दोषी होंगे, जो जांच करके उसमें तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर कठोर कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री जी, जो ये हिंसा हुई है, जो ये दंगे हो रहे हैं पिछले एक हफ्ते से जो चल रहे हैं, आगे भी एक मौलाना ने कह दिया है बरेली के कि जो नवाज होगी उसके बाद फिर से सड़कों पे उतरेंगे, इसमें बच्चे जो हैं छोटे 18 साल के, 19 साल के और उससे छोटे तबके के बच्चे जितने वो आ रहे हैं, ये उत्तर शुक्रवार के दिन नमाज के बाद जो कुछ हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण था। उत्तर प्रदेश शांतिपूर्ण ढंग से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों ने इसके पीछे साजिश की है, जिन लोगों ने दंगे की दृष्टि से प्रोत्साहित करने का काम किया है, जिन लोगों ने बवाल करने का काम किया है, पुलिस उनकी बहुत विस्तृत जांच कर रही है। जो जांच में दोषी पाए जाएंगे, ओवैसी का साफ तौर पर कह रहा है कि नाबालिग बच्चों पर एनएसए की कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जेल में फेंक दिया जा रहा, वीडियो वायरल हो रही है। देखिए, ऐसा है कि वो हैदराबाद में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो निर्दोष होगा उसे छेड़ेंगे नहीं, जो दोषी होगा उसे छोड़ेंगे नहीं।